मैं हूं मुशाहिद खान और इस वक्त हम हरियाणा के लास्ट गांव में हैं। इस गांव का नाम है कोल गांव और हम हैं रकबर के घर पर। रकबर जिसको भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया, मॉब लिंच का शिकार हुआ है रकबर। और ये रकबर के छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं ये रकबर के बच्चे हैं। 7 बच्चे और 7 की उम्र 15 साल से 14 साल से लेकर और 3-4 साल के बीच में है। इनके बदन पर कपड़ा भी नहीं है और ये इनकी सास है रकबर की, सास उनकी बेटी है रकबर की और एक छोटी बेटी। और ये देख लीजिए रकबर का जो घर है वो किस तरह का घर है, एक छत जो कहते हैं छत तक नहीं है रकबर के घर पर। और किस तरह सा ये परिवार है जो अपना पालन पोषण करता है आप देख सकते हैं, क्योंकि माफी चाहूंगा रात है ज्यादा नहीं दिखा पा रहा। ये रकबर का घर है, एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी में पूरा परिवार रहता है। और रकबर की जो वाइफ है वो इस वक्त मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से इद्दत में है। इद्दत मतलब वो किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिल सकती, इसलिए हम रकबर की वाइफ से बात नहीं कर पा रहे हैं। और ये रकबर का देख लीजिए, यहाँ गैस भी नहीं है रकबर के घर में। जो गैस है जिसकी बात करते हैं भारत सरकार, ये चूल्हा जो है गवाही दे रहा है यहाँ पर कि इसी चूल्हे पर खाना बनता है। और ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठे करने के बाद इसी चूल्हे पर यहाँ पर खाना बनाया जाता है। रकबर इस दुनिया में नहीं है, रकबर को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उनको शक था लोगों को कि रकबर गो तस्कर है। गो तस्करी के शक में रकबर को मार दिया गया। हरियाणा सरकार ने 5 लाख की मदद की है और राजस्थान सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं है। हालांकि तीन चार लोगों को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। रकबर की सास हमारे साथ में, आप ये बताइए कितनी क्या हुआ था कि रकबर आपको क्या कह के गया था यहाँ घर पे? रकबर दूध की गा के मार गयो, रकबर दूध लुखंदा जो बच्चा दूध ला रो मार दियो। अब तक भी गिरफ्तार ना हुई हो पुलिस वाले, चला जा भाई हमारा दिमाग सही ना है और थोड़ी मुलजिम हाजिर ना हो यहाँ। अच्छा ये बताइए अम्मा, आपकी बेटी तो इद्दत में बैठी बात नहीं कर सकती हो? इद्दत में बैठी है मेरी बेटी, वो बात नहीं कर सकती है। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चा और अपने पड़ा, कोई उगाड़ो है, कोई उभानो है, कोई मुंडा खिलो है। खान पीन लो भी कुछ ना है, ना कोई मदद कर रही है हरियाणा राजस्थान की सरकार, कुछ ना करी। फांसी लगनी चाहिए फांसी, जैसी मेरा बच्चा के गले हुई ऐसी होनी चाहिए जब पेट भरेगा। देखिए एक माँ है, वो जो भीड़ तंत्र है, मैं तो इसे आतंकवादी कहूंगा, ये आतंकवाद है, आतंकवाद से कम नहीं है। और ये कह रही है कि फांसी की सजा होनी चाहिए जिस तरह से मेरे बेटे को मारा, और सरकार कानून और सजा दे, सख्त से सख्त सजा दे। और यहाँ पर पूरे गांव में दहशत का माहौल है। आप क्या काम करते हैं आप ये बताइए, अब आपकी हिम्मत होती है कि आप गायें खरीद कर लाएं बाहर से? जी नहीं, अपनी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उधर अगर कोई गाय भी लेने के लिए जाए तो बहुत मुश्किल होती है। यहाँ तक के जैसा रकबर भाई के साथ हुआ ऐसा कहीं दो बार ना हो जाए, और इससे पहले कई बार हो चुका है। मैं तो यही कहूँगा जैसा भी हमारे भाई के साथ में हुआ है, मैं उसका अंकल जी का लड़का हूँ, जिन दरिंदों ने यह काम किया है उनको बहुत ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए, फांसी से भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। और जो नवल किशोर है ये तो मेन हेड है इस गैंग का, और वो अभी तक भी खुलेआम घूम रहा है, अभी तक गवर्नमेंट ने उसको गिरफ्तार नहीं किया है। और उससे भी जो ऊपर है वो आहूजा है, जो हाल का MLA है वहाँ का, तो उसके कहने पर ये सारी गुंडागर्दी हो रही है। चलिए दहशत है लोगों में, और एक गायें भी जो पालते हैं और डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। अब तो जैसे कि हमने आपसे सुना, आप ये कह रहे थे कि गायें
हम देने वाले हैं, कहीं दान करने वाले हैं, क्योंकि आपको लगता है, डर लगता है, क्या क्या कह क्या क्या बात कर रहे थे आप जी? क्या कर रहे हैं जी, जिन गायों की वजह से हम इसके शुरू से ही गौ पालक हैं, हमारे बाप दादा से गाय पालते हुए आ रहे हैं, अब उन्हीं से उन्हीं की वजह से हमको मारा जा रहा है, हमारी हत्या की जा रही है, तो हमको इनको दान दे देंगे, क्या करेंगे इनको रख कर जी गौशाला में पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ की सुनने मारे की गौशाला की हालत है वो भी बेहद खराब है, बहुत बदतर है। आपने देखा है गौशालाओं में कितने व्हाट्सएप फेसबुक पे जो फोटो वायरल हो रहे हैं, मैं अभी भी देख रहा था, जो गौशाला है उनमें तो इतनी, यहाँ पर अगर गाय थोड़ी बीमार हो जाती है हमको उस वक्त तक चैन नहीं आता, हम उस वक्त तक खाना नहीं खाते, तब तक हम अपनी गाय को हॉस्पिटल नहीं ले जाते या डॉक्टर को इधर बुला के उसकी जो बीमारी है उसके बारे में उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तब तक हमको तसल्ली नहीं होता, हमको खाना नहीं उतरता है। हम देखा है कितनी जो गौशाला है उनमें कितनी गाय मर रही है, कीचड़ इतनी ज़्यादा होती है, फिसल फिसल कर गाय मरती है, उनको भूस खाने को नहीं मिलता है, पीने को पानी नहीं मिलता है, वो उन लोगों ने इतनी, बस खाली नाम का गौशाला है, बाकी कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका, क्या लगते हैं आप रकबर के जी? मेरा नाम हारून खान और मैं देखिए गौशाला की हालत दिखा, ये कहाँ की गौशाला दिखा रहे हैं जी? ये गौशाला इस्तेमाल दलित और मुसलमानों को कूटने के लिए करते हैं, बाकी आप देखिए ये गौशाला तस्वीर है, राजनीति राजनीति कर सिर्फ ओनली कुछ नहीं है। अच्छा, ये फेसबुक से कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं गौशाला की, ये तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये जो गौवंश है वो, चलिए सरकार देखेगी इस सारे मसले पर। अब सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो इस तरह के लोग हैं उनको सजा मिले, सक्सेसफुल सजा मिले और इस परिवार को इंसाफ मिले। हरियाणा से कैमरा सर अरमान के साथ मैं मुशाहिद खान, नेशन टाइम के लिए।